good morning students how are you all i hope all of you are fine and uh, in previous class i have explained you the chapter for half of the part about the rabindranath tagore i explained you that there are uh, in this we are going to learn the biography of the two persons one was the rabindranath tagore and second was william wordsworth i have explained you about the rabindranath tagore some of the important points about the rabindranath tagore are there so i'm going to explain you the chapter now सो दिस इज दब्जेक्ट इंग्लिश एंड क्लास सिक्सथ ओके आई होप आई यू हैव अंडरस्टूड वॉट हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस क्लास नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ गुरुदेव द टीचर्स टू क्लासेज अंडर द ट्रीज अंडर द ओपन स्काई एंड द ग्रीन ग्रास राउंड अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ गुरुदेव मीन्स जब वो बड़े हुए जब उन्होंने शांति निकेतन खोला he 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 opened the 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 school school at the, uh, near in uh, in named it as a Shanti Then, uh, in that school, he, uh, the teachers took the classes ट्रीज पेड़ों के नीचे अंडर द ओपन स्काई खुले आसमान के नीचे एंड ग्रीन ग्रास अराउंड चारोर क्या होता था हरी भरी घास होती Later, the school became a college and then a famous university under the name of. विश्व भारती और लास्ट आखिरकार क्या हुआ वही स्कूल एक दिन एक बड़े कॉलेज में तब्दील हुई एंड देन ए फेमस एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया इसको विश्व भारती ओके जो शांति निकेतन स्कूल खुला था उसको एक फ़ेमस यानी उनको एक फेमस यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया विश्व भारती टूडे स्टूडेंट्स फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे स्टूडेंट्स फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड केम टू स्टडी ईयर आज आ, अलग अलग जगहों से अलग अलग मीन पूरे वर्ल्ड संसार में से अलग अलग जगहों से बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं टैगोर वॉन्टेड पीस एंड हारमनी फॉर हिज कंट्री इन नाइनटीन नॉट फाइव लार्ड कुरजन डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल इनटू टू पार्ट्स टैगोर क्या चाहते थे शांति चाहते थे और हारमनी चाहते थे वो हारमनी मीन्स मैंने हारमनी वो होता है बच्चों जैसे कि वो पूरी आ, हमारे देश में क्या चाहते थे जैसे जो तालमेल बैठता है यानी किसी भी आ, बच्चों से हो या मतलब किसी भी कंट्री से हो अपने देश के लिए वो क्या चाहते थे तालमेल चाहते थे या फिर उसको हम सामंजस्य सामंजस्य भी कह सकते हैं तो वो चाहते थे टैगोर शांति और मंजसी चाहते थे हमारे देश के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने निश्चय किया क्या निश्चय किया कि वो बंगाल को दो हिस्सों में बांटेंगे रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रांगली प्रोटेस्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस डिसीजन प्रोटेस्टेड मींस विरोध करना तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया इसके खिलाफ वो खड़े हुए

क्रांतिकारी गाने होते हैं ना रेवल्यूशनरी क्रांतिकारी ओके okay, तो उन्होंने क्रांतिकारी गाने लिखे और उन्होंने भाग लिया किसमें प्रोटेस्ट मीनिंग यानी जिसमें वो विरोध करते हैं प्रतिवाद करते हैं तो उसमें जो मीटिंग्स ली जाती थी उनमें उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया ही टुक द पार्ट इन प्रोटेस्ट मीटिंग्स ऑल्सो ही बिगैन टू राइट स्टोरीज पोएम्स एंड सॉन्ग्स अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी उन्होंने शुरू किया ही स्टार्टेड टू राइट द स्टोरीज लाइक पो राइटेड स्टार्टेड टू राइट द स्टोरीज सॉन्ग्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट पहलू पक्ष हमारे भारत देश के जो अलग अलग पहलू है पक्ष है जो भी रूप है हमारे भारत देश का uh, संस्कृतियों का सोसाइटी uh, का समाज का तो उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया थ्रू दिस रेवल्यूशनरी राइटिंग ही ट्राई टू रिवाइव द मेंटल एंड मॉरल स्पिरिट ऑफ द पीपल इसके मुखान उन्होंने रेवोल्यूशनरी राइटिंग रेवोल्यूशनरी राइटिंग मीन्स क्रांतिकारी जो है लेखक इन्होंने मतलब सॉन्ग्स गाने कहानियाँ पोएम्स जो सब कुछ इन्होंने लिखना शुरू किया था इससे इन्होंने कोशिश की क्या ट्राइट। ट्राइट कोशिश ट्राई ट्राई मीन्स कोशिश की क्या करने की पुनर्जीवित करने की कोशिश की द मेंटल एंड मॉरल स्पिरिट ऑफ द पीपल किस चीज़ को उन्होंने पुनर्जीवित करने की कोशिश की लोगों की मानसिक और मॉरल मीन्स नैतिक भावना जो है म, आ, जो मनुष्यों के अंदर दब चुकी थी ख़त्म हो चुकी थी उसको उन्होंने जगाने की कोशिश की he was full of anguish he was full of anguish anguish means suffering वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे वेदना कर रहे थे पीड़ा से सफ़र कर रहे थे वो पेन एंड सारो एट द जलियन वाला भाग ट्रेजडी वेर हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर वेड ऑन थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन इन अमृतसर ही वॉज फुल ऑफ एंग्विश विश वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे पीड़ा से दर्द से दुख से जब उन्होंने जलियन वाला भाग ट्रेजडी में सौ से भी ज़्यादा जो बेगुना लोग थे वहाँ पे मतलब ये सिविलियंस का मतलब ये नहीं होता कि सेना में जो लोग नहीं सेना वाले लोग नहीं थे ये जो इनोसेंट लोग थे जो वहाँ के जो सिविलाइज्ड पर्सन्स होते हैं लोग थे वो मारे गए और हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों लोग जो थे वो घायल हुए थे कब नाइन अप्रैल नाइन्टीन इन अमृतसर में जलियन वाला बैक ट्रेजडी जो अस्तित्व हुई थी वो कहाँ पर हुई थी थर्टीन अप्रैल नाइन्टीन इन अमृतसर ओके टैगोर वॉज वेरी टैलेंटेड ही वॉज़ ए पेंटर टैगोर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाकारी थे वो एक पेंटर भी थे कवि भी थे प्ला प्ले राइट प्ले राइटर का मतलब होता है नाटककार भी थे नॉवेलिस्ट नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार भी थे उपन्यास लेखक बोलते हैं ना उसे नॉवलिस्ट भी कह सकते हैं हम उपन्यासकार भी कह सकते हैं फिलोसफर थे मतलब दार्शनिक थे एंड एजुकेशनिस्ट एजुकेशनिस्ट का मतलब शिक्षा शास्त्री भी थे टैगोर वॉज वेरी

बिगैन टू क्रिएट वंडर्स वो क्या उन जैसे उगता हुआ सूरज क्या करता है अच्छी uh, अच्छी चीज़ें आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हमारे सामने आती है प्रोत्साहित करती है हम उन हमें उस चीज़ों को करने के लिए तो वैसे ही इनमें हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली टू यूरोप अमेरिका एंड एशिया एंड डिलीवर्ड लेक्चर लेक्चरस इन यूनिवर्सिटीज़ एंड पब्लिक मीटिंग्स ऑन एजुकेशन वो अक्सर कहाँ जाए यात्रा करते थे कहाँ एक्सटेंसिवली यानी बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुत विस्तृत रूप से वो क्या करते थे यूरोप जाया करते थे अमेरिका जाया करते थे एशिया जाया करते थे जहाँ पे वो लेक्चर uh, मतलब यूनिवर्सिटीज़ uh, में लेक्चर देते थे और वहाँ पे उन्होंने कोशिश की किस चीज़ पब्लिक मीटिंग्स किस चीज़ पर एजुकेशन पर ही वॉज गिविंग द पब्लिक मीटिंग्स ऑन एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटीज़ टैगोर वॉज़ अवार्डेड द नोबल प्राइज़ इन लेक्चरर इन 1930. थर्टी टैगोर को प्रोत्साहित किया गया नोबल प्राइज़ से नाइनटीन थर्टीन में फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स कॉल्ड गीतांजलि किसके लिए प्रोत्साहित किया गया था उनकी एक प्रोत्साहित किया गया उनकी एक पोएम ऑफ बुक्स यानी एक ऐसी किताब जिसमें कवि मतलब इन्होंने बहुत सारे पोएम्स यानी कविताएं लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि ओके

का मतलब होता है जैसे कि आ, इनको एक कहते हैं ना कि उनको आ, जो ब्रिटिश के राजा थे उन्होंने उनको एक हक दिया था यानी उन्हें ऐसा मतलब कहते हैं ना कि नाइट की उपधि दी थी उनको एक पदवी दी थी नाइट की तो उनको मतलब रविंद्र नाथ टैगर नाइट कहा जा सकता है तो यानी वही व्यक्ति ये नाइट का उपयोग कर सकता है अपने नाम के आगे आ, अगर उनको वो पदवी दी जाती है तो, तो ये पदवी ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव ने इनको रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी इन नाइनटीन कब दी थी 1915 में इन 1990 द फॉलोइंग द जलियन वाला बैग मजाकर मजाकर का मतलब होता है मर्डर ऑफ ए लार्ज पीपल ऑफ़ पीपल यानी बहुत सारे लोगों का क्या कर देना मर्डर कर देना मर्डर का मतलब जैसे कि आत हत्याकांड करना हत्या, किसी की हत्या कर देना ओके okay? मजाकर का मतलब होता है हज़ारों से सौ से भी ज़्यादा लोगों की मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या कर देना तो उसे हम हत्याकांड भी कह सकते हैं तो 1919 में जलियन वाला भैग में आ, कई लोगों के हत्याकांड में टैगोर ने रीअनाउंस नाइट नाइटहुड़ उन्होंने उस दिन फिर से दोबारा से अपनी उस पदवी का उपयोग किया था रविंद्रनाथ टैगोर प्रमोटेड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ऑन ट्रॉल रेंसर रविंद्रनाथ टैगोर को uh, प्रोत्साह uh, प्रमोटेड किया गया किस चीज़ के लिए उनके सहनशीलता के लिए उनके आध्यात्मिक जो मूल्य थे उन चीज़ों के लिए टैगोर uh, को में प्रोत्साहन दिया गया बिसाइड्स पोएट्री ही रोड प्लेज डांस ड्रामाज स्टोरीज एंड नावल्स कवि मतलब जो कविताएं वो लिखते थे इसके अलावा भी वो प्लेज यानी जो ड्रामाज वगैरह होते हैं नाटक का काम नावेलिस्ट का काम करते थे वो ही वॉज अ नॉवलिस्ट एंड ईवन ही वॉज अ व वेरी गुड फिलोफफर एजुकेशन एवरी थिंग ही वॉज वेरी गुड इन एवरी थिंग इवन यू कैन डू द डांस ड्रामाज ऑल्सो स्टोरीज नावल्स एवरीथिंग वॉज राइटिंग वेरी गुड ही वॉज वेरी गुड पर्सन ही वॉज वेरी टैलेंटेड ही वॉज इनकेज फॉर एवरीथिंग टैगोर ऑल्सो क्रिएटेड न्यूमरस ड्राॅइंग्स एंड पेंटिंग्स टैगोर को ड्राॅइंग uh, करने का मतलब अनगिनत ड्राइंग्स बनाई थी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी इन्होंने ही रोट द म्यूज़िक एंड लिरिक्स फॉर द पोएम्स ही रोड इन्होंने हमेशा जो भी पोएम्स यानी कविताएँ इन्होंने लिखी थी उसके लिए इन्होंने म्यूज़िक और लिरिक्स का भी लिरिक्स भी लिखी थी इन्होंने इस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इज़ कॉल्ड रविंद्र संगीत इनका जो कलेक्शन था गानों का जो कलेक्शन था उसको नाम दिया गया रविंद्र संगीत इनके नाम से ही इनको जाना जाता था इस कॉम्पोजिशन जनगण मन वॉज अडोप्टेड हैज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इनका जो कॉम्पोजिशन यानी इन्होंने जो राष्ट्रगान लिखा था जनगण मन उसको हमारे भारत देश का राष्ट्रगान माना गया रोड द ना जन गण मना रविंद्रनाथ टैगोर रोड द जनगण मना वेल वन ऑफ दिस सॉन्ग इनमें इसके अलावा भी फिर भी एक और गाना था अमर सुनोहर बांग्ला मीन्स ये एक बंगाली पोएम है ये माई गोल्डन बंगाल यहाँ पे बंगाल के बारे में माई गोल्डन बंगाल नाम से ये पोयम था वॉज लेटर मेड इंटू द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश जो बांग्लादेश में नेशनल मतलब जैसे कि हम जनगण मना को नेशनल एंथम का नाम देते हैं वैसे ही बांग्लादेश में अमर सुनोर बांग्ला इसको नेशनल एंथम माना गया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ ही वॉज फॉन्डली uh, कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से बहुत ही uh, मतलब इच्छा से उनको बुलाया जाता था पास्ट अवेन uh, उनकी मृत्यु हुई कब एट्थ ऑफ अगस्त 1941 में कब हुई एट्थ ऑफ अगस्त 1941 में अट इज़ एनस एनसेस्ट्रल होम इन कोलकाता कहाँ पर उनके पूर्वजों के घर में ही जो कोलकाता में था जहाँ पे इनका जन्म हुआ था ओके okay? Yeah, students. Now we are going to learn the word meanings of this chapter. So let's learn the word meaning students. The first word meaning is guidance. G-U-I-D-A-N-C-E. Guidance. Guidance means Marg Darshan. Ya Harmony. H A R M O N Y. Harmony means uh, Samanjashya. या तालमेल या स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम वर्ड मीनिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन यू नव इन दिस वीडियो ओके आई हैव एक्सप्लेन यू द चैप्टर रिलेटेड टू दैट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग द अगेन द वर्ड मीनिंग्स प्रोटेस्टेड पी आर ओ टी ई एस टी ई डी प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध करना या प्रतिवाद करना ओके रेवोल्यूशनरी आर ई वी ओ एल यू टी आई ओ एन ए आर वाई रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी एस्पेक्ट्स ए एस पी ई सी टी एस एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू या पक्ष एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू या पक्ष रिवाइव आर ई वी आई वी ई रिवाइव रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना नेक्स्ट इज मॉरल एम ओ आर ए एल मॉरल मॉरल मीन्स नैतिक भावना एंग्विश ए एन जी यू आई एस एच एंग्विश एंग्विश मीन्स सफरिंग वेदना पीड़ा या कष्ट ट्रैजिडी टी आर ए जी ई डी वाई ट्रैजिडी ट्रैजिडी मीन्स दुखद घटना प्ले राइट पी एल ए वाई डब्ल्यू आर आई जी एच टी और डब्ल्यू विल भी साइलेंट इन दिस वर्ल्ड सो प्ले राइट प्ले राइट मीन्स नाटककार नावेलिस्ट एन ओ वी ई एल आई एस टी नावेलिस्ट नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार या उपन्यास लेखक भी कह सकते हैं उनको नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज फ़िलोसफर पी एच आई एल ओ एस ओ पी एच ई आर फिलोसफर फिलोसफर मीन्स दार्शनिक ई डी यू सी ए टी आई ओ एन आई एस टी एजुकेशनिस्ट एजुकेशनिस्ट मीन्स शिक्षा शास्त्री एक्सटेंसिवली ई एक्स टी ई एन एस आई वी ई एल वाई एक्सटेन्सिव्ली एक्सटेंसिवली मीन्स कवरिंग अ लार्ज एरिया बहुत विस्तृत रूप से मेजाकर एम ए डबल एस ए सी आर ई मेजाकर मीन्स मर्डर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हत्याकांड ओके मेजाकर मीन्स मर्डर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हत्याकांड नेक्स्ट इज नाइट हुड के एन आई जी हेच टी हेच डबल ओ डी नाइटहुड के विल बी साइलेंट हियर सो नाइटहुड नाइटहुड मीन्स नाइट की उपाधि उपाधि या शूरवीर की पदवी ओके स्पिरीचुअल वैल्यूस एस पी आई आर आई टी यू ए एल स्पिरचुअल वैल्यूज वी एल यू ई एस वैल्यू स्पिरचल वैल्यूज मीन आध्यात्मिक मूल्य स्पिचुअल वैल्यूज मीन आध्यात्मिक मूल्य टॉलरेस् टी ओ एल ई आर ए एंड सी ई टॉलरेंस टॉलर टॉलरेन्स मीन सहशी सहनशीलता टॉलरेंस मीन सहनशीलता ओके स्टूडेंट्स आई होप यू हेव अंडर्स्टुड दिसर्न एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स इन युर नोटबुक् And read the chapter once. Whatever the important points I I'm, have uh, underlined in the textbook while explaining the chapter, uh, that are very important. The chapter is also very important, but learn everything properly. Read everything, read the chapter also once.